यूक्रेन जंग के एक साल पूरे होने के मौके पर रूसी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया है। पुतिन ने कहा कि जंग के पीछे कौन है सबको पता है। यूक्रेन ने दुनिया को युद्ध में धकेला, जेलेंस्की ने ही रूस को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। पुतिन ने कहा वो खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन नाटो का दखल रूस में बढ़ रहा है। मदद के नाम पर नाटो जंग को भड़का रहा है। उन्होंने हथियारों पर $150 बिलियन खर्च किए। पश्चिम यूक्रेन को लूट रहा है। हमने एंटी रशिया प्रोपेगेंडा पर अटैक किया। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका एटमी हथियारों का टेस्ट करता है तो रूस भी ऐसा करेगा। पुतिन ने न्यूक्लियर एजेंसियों को निर्देश दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट करता है तो वो भी इसकी तैयारी करे। इसी बीच रूस ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर प्रहार करते हुए कहा कि यूक्रेन को एटम बम दिया जा रहा है, इसलिए रूस को हर तरह से तैयार रहना होगा। पश्चिम के साथ रूस लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। हमारे हथियार दुनिया में सबसे घातक हैं। जीत के लिए रूस सब कुछ करेगा। हम बड़े स्तर पर हथियार बनाएंगे। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास लुहांस को लेकर कहा कि साल 2014 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस जैसे नाजियों से लड़ा वैसे ही आज लड़ रहे हैं। डोनेस लुहान जेपोरिजिया ने रूस के साथ अपना भविष्य चुना है। लोगों को दबाया जा रहा था, रूस ने आगे आकर अपने लोगों को बचाया। पुतिन ने कहा कि रूस को कमजोर करने के लिए एशिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए यूरोप को मजबूत किया जा रहा है। रूस ने एंटी एशिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ भी युद्ध छेड़ा है। पुतिन ने कहा कि ईरान और भारत से नए तरीके से अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। पुतिन ने अमेरिकी डॉलर को बेदम करने का प्रण लिया है। पुतिन डॉलर के मुकाबले के लिए अलग करेंसी फंड बनाएंगे। उन्होंने कहा रूस अपनी रक्षा और इकोनॉमी पर समझौता नहीं करेगा। पश्चिमी देशों ने सोचा था कि बैन से रूस बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनके अनुमान धरे रह गए। पुतिन ने साफ साफ कहा कि जंग में रूस को हराना इतना आसान नहीं है। अमेरिका और यूरोप से जितनी लंबी दूरी के मिसाइल यूक्रेन पहुंचेंगे, बॉर्डर पर हमारा आक्रमण और तेज होगा। अमेरिका ने यूक्रेन में इराक सीरिया जैसा खेल खेला। यूक्रेन में पश्चिम की सोची समझी साजिश है। पुतिन के रूसी संसद के संबोधन में कई बातों का जवाब। आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड दौरे से जवाब देंगे। कीव दौरे से कल पोलैंड पहुंचे। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे बाइडेन यूक्रेन युद्ध समेत पुतिन के उठाए मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे।